सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज हम आपको दोहरान कार्य करवाने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे राधा लिख रही है, चिड़िया उड़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। लिखना, उड़ना और दौड़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से क्रिया के अन्य रूप बनते हैं, जैसे नाच नाचना, बजा बजाना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं जो कर्म के साथ होती हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार यहाँ कर्म है, पढ़ना यहाँ क्रिया है और दादाजी कर्ता हैं। राधिका गीत गा रही है। राधिका कर्ता है, गीत कर्म है और गा रही क्रिया है। इस तरह से ये सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता, जिनसे जैसे सवाल किया जाता है क्वेश्चन से कि राधा क्या गा रही है, अगर आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे ये देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत सरल है। वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं कर्म के बिना होती हैं, जैसे कार चलती है, खरगोश दौड़ रहा है। इस तरह से अगर इनसे हम प्रश्न पूछेंगे, कार कैसे चलती है, क्या क्या कार चलती है, इस तरह से, मतलब इनसे अगर सवाल पूछेंगे और आंसर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कार और खरगोश तो करता है, कर्म इनमें दोनों में कुछ भी नहीं है और क्रिया है, चलती है और दौड़ रहा है। ऐसे ही अकर्मक क्रिया की यहाँ पहचान वही है कि सकर्मक में क्यों और कैसे किससे सवाल किए जाते हैं और अकर्मक में नहीं किए जाते हैं। यस बच्चों, आपने क्रिया पढ़ी। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। अपने तीन टॉपिक आ रहे हैं, क्रिया, पर्यायवाची और विलोम शब्द। जैसे हम पढ़ेंगे अमृत। अमृत का पर्यायवाची, पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिनका कोई अन्य भी अर्थ निकलता हो। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, पर्यायवाची का अर्थ है अन्य या दूसरा। पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द हैं। इन्हें समानार्थी या समानदर्शी भी कहते हैं। जैसे एक लड़का है या मनुष्य है, उसके देखिए मनुष्य, मानव, नर और आदमी। ऐसे हाथी है तो इसका गज, कुंजर, हस्ती और हाथी। इसी तरह से देखिए बच्चों, अमृत का अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। ईश्वर के देखिए बच्चों, प्रभु, परमात्मा, भगवान और ईश। जल का है पानी, नीर, वारी और सलिल। आकाश, आसमान, नभ, व्योम, अंबर और गगन। इस तरह से बच्चों, आपको जो हमने वर्क भेजा है, जो पर्यायवाची भेजे हैं, वो आपको लर्न करने हैं। क्रिया में भी आपको जिस तरह से समझाया है, जो वीडियो बना के भेजा है, उसको अच्छे से देखें और लर्न करें। अब हम करेंगे विलोम शब्द। यस बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है विलोम या विपरीतार्थक शब्द, जिनका दूसरा भी अर्थ निकलता हो। ये देखिए, विलोम शब्द में अंधकार, प्रकाश, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल ही आएगा और आय का व्यय, आशा निराशा, एकता अनेकता, उचित अनुचित, गर्मी सर्दी, उतार चढ़ाव, आदान प्रदान। इस तरह से बच्चों, आपको ये तीनों टॉपिक करने हैं। जो हमने आपको दिए हैं वो आपको ध्यान से समझ के और पढ़ने हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। क्रिया भी बहुत आसान है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से करके आ सकते हो। धन्यवाद।